अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। ईद मिलाद गनी जुलूस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। 11 तारीख को अंजुमन में तमाम जमातों की मीटिंग तलब फरमाई जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं है, पर इसी हफ्ते में मीटिंग बुलाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ईद मिलाद गणेश त्योहार तकरीबन 30 साल बाद एक ही वक्त में आने का इत्तफाक हुआ है, लिहाजा तमाम पुलिस मुकमा, गणेश मंडल, मिलाद कमेटियां अमन के साथ दोनों त्योहारों को मनाने की कोशिश में लगे हुए। तकरीबन जगहों पर पीस मीटिंग भी बुलाई जा रही है, मुमकिन हिदायत भी दिए जा रहे हैं। बेलगाम के सभी जिम्मेदारान को एक जगह पर बैठकर फैसला लेने की जरूरत है। कुछ जगहों पर देर रात लाइटिंग भी रहती है, यानी कि ईद मिलाद के वक्त, और हो सकता है कि कुछ शरारत कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश फिरका परस्त कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर 11 तारीख को अंजुमन में बुलाया जा सकता है, ऐसा बताया गया। अब तक किसी तरह का दावतनामा या फिर पर्चा आया नहीं है, जो भी हो लेकिन इस बार मिलाद और गणेश त्योहार को लेकर चर्चा जारी है। कल कमिश्नर और बेलगाम पुलिस दफ्तर में मीटिंग तलब फरमाकर जुलूस को 2 बजे तक मुकम्मल करने की बात एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ की जानिब से कही गई। दूसरी तरफ गणेश मंडलों के साथ भी पुलिस महकमा तबादले ख्याल कर रहा है। कुल मिलाकर किसी तरीके से तनाव न रहे, इसका ख्याल बेलगाम पुलिस महकमा, कारपोरेटर्स और एमएलए आसिफ राजू सेठ की जानिब से रखा जा रहा है। जल सीरत कमेटी, पुलिस महकमा और एमएलए आसिफ सेठ की मौजूदगी में मीटिंग तलब फरमाई जाएगी, ऐसा भी बताया गया। लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा जेडीएस इत्तेहाद कायम हो चुका है। वैसे भाजपा जेडीएस यारा ना पुराना ही कह सकते हैं, पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीएस अपना वजूद कायम रखने की कोशिश में भाजपा से दोस्ती का ऐलान कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने कई सारे सियासी समीकरण बदल दिए हैं। 5 गारंटियों के साथ बंपर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस ने भाजपा और जेडीएस के खेमों में खौफ फैला रखा है, लिहाजा अब एक दूसरे को सहारा देते हुए किसी तरह सियासी वजूद की कोशिश भाजपा जेडीएस करते नजर आ रहे हैं। आज साबिक वज़ीर-ए-आला येडियुरप्पा ने भाजपा जेडीएस 26 जगहों पर जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा भरोसा दिला। आज बेंगलोर में दौरान मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस इत्तेहाद को हरी झंडी दिखाते हुए जेडीएस को 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। आज बेंगलोर में लोकसभा चुनाव के चलते मीटिंग तलब फरमाई गई। ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. 25-26 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. भाजपा हुकूमत थी तो कुछ भी बयान देकर हल्की मकबूलियत बटोरने के लिए यत्नार पाटिल काफी मशहूर थे, लिहाजा आज भी इसी बयानबाजी से मकबूलियत बटोरने की कोशिश करते हुए खुद को हिंदुत्ववादी होने के दावे को बरकरार रखने की भी फिराक में पाए गए। आज फिर सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन और राजा के बयानों पर रायचूर में मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि डीएमके की हालत बहुत खराब है और स्टालिन जैसे बुरे कीड़े हैं। सनातन हिंदू धर्म बहुत पुराना है, मुगलों ईसाइयों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, क्या स्टालिन या राजा जैसे लोग इस्लाम ईसाइयों के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेंगे? आगे सुभाष चंद्र बोस का कत्ल नेहरू ने किया था, ऐसा भी कहा जाता है। कहा एक बार फिर मुसलमानों ईसाइयों पर जहरीला बयान देते हुए यत्नाल को देखा गया। ಅವರಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಎಂತ ಮೊಘಲ್ರಿ 8 ವರ್ಷ ಆದ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಔರಂಗಜೇಬರಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ಮತಾಂಧ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೂ ಭಾರತವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌರಿ, ಖಿಲ್ಜಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಯಾರ ನೋಡಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರಿಗೇನು ಧರ್ಮ ತಕ್ಕಂತಿದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಸನಾತನದಾಗೆ ಹುಟ್ಟದವ್ರು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಯಾವನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುಗಳು ಏನದವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಕತ್ತವು. ಇವತ್ತು ನಾಶ ಸಮೀಪ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ನಾಶ ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ. ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಸರು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾರತದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಂತಾನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಅಂದನು ಈ ದೇಶದ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇಶದ ಹೆಸರು. ಈಗೇನು ಅಪರಾಧ ಏನಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಏನೇ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಆ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ ಬೇರೆ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಹೋರಾಟ. चुनाव आने लगते हैं तो सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाती है, लिहाजा आज भाजपा किसान मोर्चा की जानिब से एहतजाज किया गया और सिद्धरामैया हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. इस वक्त कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि झूठे वादे कर कांग्रेस इख्तदार पर तो आई पर उन वादों को निभाने में नाकाम रही. खासकर जो योजनाएं किसानों के लिए भाजपा ने शुरू की थी उसे रद्द करने की फिराक में कांग्रेस हुकूमत पाई जा रही है. साबिक MLA अनिल बेनके भी इस वक्त मौजूद रहे. एहतजाज में बैलगाड़ी भी लाई गई थी. काँग्रेस सरकारच्या डोक्यामध्ये एकच आहे, जनता गई भॅड मे. पण यावेळी लोकसभेच्या इलेक्शनसाठी काही पाहिजे ते करायला तयार. आणि ह्या स्कीम सर्व जारी करायसाठी म्हणून रयतांच्या नरड्याला हात लावायचं काम ह्या राज्य सरकारनं काँग्रेस सरकारनं केलं आहे. त्याच्या निषेधार्थ म्हणून आम्ही हा मोर्चा काढत आहोत. आज वजीर रियासत लक्ष्मी बाड़कर ने गृहलक्ष्मी मामले को लेकर गलतफहमी का शिकार न होने की बात कही और कहा कि जो भी पोस्ट यानी कि ट्वीट गृहलक्ष्मी की वेबसाइट पर दी गई इस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वेबसाइट पर शाया किया गया इसका इल्म मुझे नहीं है पर कार्रवाई जरूर होगी, इसे छोटी बात न समझे. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वक्ती तौर पर रोका गया है, जल्द शुरू किया जाएगा. स्कीम खवातीनों को मुस्तकिल देने की है, लिहाजा गृहलक्ष्मी को लेकर ट्वीट को डिलीट भी किया गया. ये कैसा हुआ इसका इल्म मुझे नहीं है, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त बताया. इमिडियट आगी ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. डॉक्टर SP संजीव पाटिल की जगह पर अब भीमाशंकर गुड़े बेलगाम के नए SP बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले बतौर SP संजीव पाटिल ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए, किसी तरह का लिहाज या दबाव से न डरते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त बताया. जिले का SP बन के अपना चार्ज लिया हूँ. मेरे से पहले जो यहाँ पे SP थे श्री डॉक्टर संजीव पाटिल जी, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर बेंगलोर में DCP पद का विचार किया है. वो पिछले एक साल और दो महीने में यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है. उनके जो अच्छे काम थे उसको मैं कंटिन्यू करते हुए और भी अपने सारे पुलिस अधिकारी और स्टाफ के साथ बेलगाम के लोगों को हमारी तरफ से जो भी पुलिस की सेवाएं उसको अच्छे तरह से देने के लिए, उसको अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हम हर वक्त काम करेंगे. और मैं जनता से ये गुजारिश करता हूं कि जो भी है अपना समस्या हम पुलिस के पुलिस को लेते हुए वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं.
आज मां साहब कुर्ची में कुलकर्णी हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त आंखों की जांच रखी गई थी। अबू बकर मरकज कुर्ची में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त आंखों का जांच का एहतमाम किया गया था। खास तौर से फुरकान मारूफ, मुदस्सर आलम खान, जहूर संदरवाले और तौसीफ करीम खान ने मेहनत फरमाई। आई हॉस्पिटल दिंदा फ्री आई चेकअप शी वर्कर सोशल वर्कर आदर्ता फुरकान मारूफ, मुदस्सर अलाल खान, जहूर संदरवाले, तनसीफ करीम खान इवर नेतृत्व में फ्री कणीन चेकअप इवतु ना। अस्सलामु अलैकुम। शहर कुर्ची में आई कैंप जो है आज लगा हुआ है कुलकर्णी आई हॉस्पिटल अथनी इनकी तरफ से, और बहुत ही ये नेक काम है और हमारे शहर कुर्ची की तरफ से सोशल वर्क जो सोशल वर्किस्ट है हमारे खासकर इसमें फुरकान मारूफ, मुदस्सर अलाल खान, जहूर संदरवाले और तनसीफ करीम खान, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गांवों की फलाह और बहबूदी के लिए, गांवों के गरीब लोगों की मदद के लिए इस कैंप को रखा है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से और गांव वालों की तरफ से तमाम सोशल वर्किस्ट लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कैंप रखा है। ऐसी कैंप की ज़रूरत है, इसमें गरीबों का बहुत बड़ा फायदा होता है। आज भांदुरगली बेलगाम में ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन यानी तंजीम इंसानी हुकूक दफ्तर की इफ्तिताह अमल में आई। इस वक्त नीरज बंसकार, डॉक्टर मदन डोंगरे, कृष्ण कुमार पुरोहित, ओंकार देसाई, संजय भंडारी, मनोज सोनी, सुनील यल्लूरकर, सतीश मलवडे, रोहित डिंगोले, ज्योतिबा पाटिल, लक्ष्मण मंजालकर और चंद्रशेखर सिद्धनावर मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।